हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ सेवंथ क्लास। आप देख सकते हैं हम इस बुक को आपको पढ़ाएंगे और पूरी कंप्लीट करवाएंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक और ये सेवंथ क्लास की बुक है। आज हम पूर्णांक से स्टार्ट करते हैं और आपको सारे चैप्टर वन बाई वन करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक। तो देखिए, आपका है अध्याय एक पूर्णांक। तो आपने कक्षा छह में पढ़ा होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है, संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है, जिसमें पूर्ण संख्याएं आती हैं और नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो ये अपना पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक पूर्णांक संख्याओं का एक क्या होता है? बड़ा संग्रह होता है। बड़ा संग्रह होता है, पूर्णांक होता है वो संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है। बड़ा संग्रह का मतलब होता है कि बड़ा कलेक्शन होता है, उसमें संख्याएं ज्यादा होती हैं। तो जिसमें संग्रह होता है, तो इस संग्रह में जिसमें पूर्ण संख्याएं, जिसमें क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। देखो क्या है कि पूर्णांक है, फर्स्ट चैप्टर है आपकी क्लास का और बड़ा बेसिक से पढ़िए आप, जीरो टू हीरो होनी है। पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि जो इंटीजर होता है, इंटीजर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है बड़ा, जिसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पर इंडिकेट करके बताता हूँ कि ये है। अब इसमें माइनस टू भी होगा, माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो भी होगा, एक भी होगा, सौ भी होगा, दस भी होगा। तो ये हमारा कहलाएगा किसका संग्रह? पूर्णांक। तो ये पूर्णांक हैं ये सारे। तो ये हमारा पूर्णांक कहलाता है क्योंकि इसमें पूर्ण संख्याएं भी हैं, जीरो भी है, एक भी है, नेचुरल नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। तो ये हमारा कहलाएगा पूर्णांक। इसके बाद हमें थोड़ा पुनरावलोकन करना है कि हम संख्या रेखा पर इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने छठवीं क्लास में पहले पढ़ा था, हम आपको दोबारा से उसको रिवाइज करवा देते हैं। हम सारी एक्सरसाइज भी करवाएंगे, 1.1, 2.1, सॉरी जितनी भी है सारी कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी बुक में बेस दिया हुआ है, बुक में ऐसे ही नहीं छापा गया कि भाई बुक में ये तो छाप दिया, बुक है इतनी मोटी बना दी गई है। सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, सभी चीजों से बेस बनता है, तभी आप सही ढंग से सीख पाओगे। तो यहाँ तक हो गया और एक एक चीज हम आपको लिखाएंगे बुक के अलग तरीके से। बुक में अलग डिफरेंट तरीके से है और हम आपको यहाँ सही सही तरीके से लिखाएंगे। उसमें लिखा हुआ है लेकिन बहुत डिटेल में है और उसमें से आप एक तरह से पढ़ नहीं सकते। यही सोचोगे कि इतनी बड़ी बुक है, इसमें से सिर्फ जो एक्सरसाइज दे रखी है हम उन्हें कर लें बस। नहीं, जो बेस है वो तो इनसे ही बनेगा।
आप नंबर लाइन पर पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित करोगे, और नंबर लाइन पर यदि आपको कोई संख्या दी हुई है तो उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किए करोगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूं मैं, यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूं मैं, ये नंबर लाइन है जिसे संख्या रेखा कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर भाग करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 8। इसी प्रकार इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर माइनस वाले अंक आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर माइनस वाले आते हैं और इधर प्लस वाले आते हैं। 0 से यदि हम इधर राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव अंक आते हैं, और 0 से हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो हमेशा नेगेटिव अंक आते हैं। इसको हम संख्या रेखा कहते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि इस पे जो अंक हैं वो प्रदर्शित है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है। और आपको पता है कि 1 से और 8 यानी कि अनंत तक ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यदि इनमें यहाँ आगे 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, जिसे W से निरूपित करते हैं, और 1 से अनंत तक ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे, जिन्हें N से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इनमें इन माइनस वाले अंकों को भी शामिल कर लिया जाए, इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, तो ये पूरा कहलाएगा पूर्णांक। फिर ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और पूर्णांक को यानी कि इसको पूर्णांक होता है, इसे जेड से निरूपित करते हैं पूर्णांक को। तो देखिए, अब मैं कोई इस पे अंक लगा देता हूं, जैसे एक तो आपको इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, जितने भी मैंने इंडिकेट किए हैं, गोला बनाया है, सर्कल बनाया है, जिन जिन अंकों पर प्यारे बच्चों आपको सर्कल दिख रहा होगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, जिन भी अंकों पर मैंने सर्कल बनाया है उनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर अंकित अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। अंकित का मतलब है जिन पर सर्किल हुआ है। संख्या रेखा पर अंकित अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है, मैंने आपको 6वीं क्लास में बताया, आरोही क्रम में, और बताएंगे आरोही क्रम में। संख्या रेखा पर अंकित अंकों को आरोही क्रम में लिखिए या व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अंकित अंक कौन कौन से हैं, देखो यहां से हम देखेंगे कि अंकित अंक हैं अपने, -7 है, इसके बाद -3 है, इसके बाद 2 है, और इसके बाद 6 है। ये हमारे अंकित अंक हैं। हमारे अंकित अंक हैं -3, -7, -3, 2, 6। इन चारों अंकों को हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बहुत बड़ा, जितना भी बड़ा हो, यानी कि छोटे से हम बड़े की ओर जाते हैं, तो वो हमारा आरोही क्रम कहलाता है, जो हम आपको बाद में जब इसमें आएगा तो लिखवाएंगे। फिलहाल देखिए आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम एक तरह से मैं आपको इंडिकेट करूँ तो ऐसे ये आएगा, इसके बाद इससे बड़ा आएगा, इसके बाद इससे भी बड़ा आएगा, इसके बाद इससे भी बड़ा आएगा। इस तरह से नीचे एक बेस लिए हुए हम यदि चलेंगे तो ये हमारा आरोही क्रम कहलाएगा। ऐसे चलते जाएंगे इधर तो ये आरोही क्रम कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा देखते हैं हम, सबसे छोटा है
हम देखा जीरो से इधर चलते हैं तो ये छोटे होते जाते हैं, एक से छोटा दो है, दो से छोटा तीन है, एक से छोटा तीन है, तो सबसे छोटा है -7, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा -7, इससे छोटा है -3, मतलब इससे बड़ा है थोड़ा, और इससे बड़ा है 2 और इससे बड़ा है 6, तो ये ऐसे के ऐसे एडजस्टमेंट इनका हो जाएगा। तो ये हो गया है इनका आरोही क्रम। यदि मैं इसे ऐसे देता कि यदि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता कि भाई 6 -3 2 और -7, इनको आप किस में लिखिए, इनको आप आरोही क्रम में लिखिए, तो आप इस क्रम को ऐसे लिखते हैं, इनका आरोही क्रम है और इनका अलग क्रम है जो डिफरेंट है, जो दिया हुआ है। तो इसमें -7 सबसे पहले आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। अब मैं बात कह दूं कि इन्हीं अंकों को आपको लिखना है किसमें, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए किस क्रम में बच्चों, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में जब हम इन्हें लिखेंगे तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए इन अंकों को हमें इसके विपरीत क्रम में सेट करना होगा। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, यानी कि 6 लिखेंगे, 6 से थोड़ा छोटा होता है कौन सा, 2, 2 से छोटा -3 और -3 से भी छोटा -7, ये इनका हो जाता है कौन सा, अवरोही क्रम। तो ऐसे संख्या रेखा पर स्थित अंक हैं, संख्या रेखा पर दिए हुए हैं, तो हम उनको कैसे आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ये जो आपने 6वीं क्लास में पढ़ा था वो हमने आपको रिवाइज करवाया है, और ये पूर्णांक है, पूर्णांकों की परिभाषा हमने आपको लिख दी है, आप चाहो तो इसे कॉपी में आपकी में नोटबुक में नोट कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक होता है वो संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है, बिग कलेक्शन होता है। इस बिग कलेक्शन में यानी इस बड़े संग्रह में पूर्णांक होते हैं, इन पूर्णांकों में क्या होता है कि ये सारे पूर्णांक हैं और इनमें पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इन पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब ये सारे पूर्णांक लिखे हुए हैं और ये देखो ये 8 तक नहीं है, ये इधर जाएगा, ये मैंने 8 तक लिखा है और ये इधर जाएगा, चलता रहेगा ये, लेकिन हमें यदि लिखना है तो हमने 8 तक लिखा था। ये इसे क्या कहते हैं, इसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या है ये, संख्या रेखा, जैसे इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं, ये संख्या रेखा है जैसे इंग्लिश में नंबर लाइन कहा जाता है। तो हमने देखा कि यह पूर्णांक की परिभाषा है और संख्या रेखा पर अंकित अंकों को, यानी संख्या रेखा पर यदि सारे पूर्णांक दिए हुए हैं तो उन पूर्णांकों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे उन्हें मैनेजमेंट किया जाएगा। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये पार्ट फर्स्ट है तो लिख भी देते हैं पार्ट फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे पार्ट जितने भी इसमें बनेंगे आपको करवाए जाएंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट है, इसके बाद कल आपको करवाते हैं पार्ट सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा पार्ट सेकंड। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऑल जो नोटिफिकेशन का वो होता है साइन उसको दबाइए ताकि आपके पास ऐसे वीडियो आते रहें और आप पूरी बुक्स ये कंप्लीट कर लें विदाउट फ्री, यानी कि कॉस्ट फ्री, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे, तो आप ढंग से पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।